नमस्कार फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करती हूँ मैं मोनिका आपका मेरे चैनल पे। इससे पहले कि व्लॉग की शुरुआत हो, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है। तो चलिए चलते हैं आरएसएस के एक ऐसे प्रोग्राम में जहाँ पे एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा था। ये है वो पार्क जहाँ पे आरएसएस ने 150 के करीब पौधे लगाए हैं और 100 पौधे लगाए हैं दूसरे पार्क में। ये है रोहिणी सेक्टर 24 का पार्क। देखिए जहाँ जहाँ पे गड्ढे हैं वहाँ वहाँ पे इन लोगों ने पौधे लगाए हैं। आरएसएस वाले जो अभियान चला रहे हैं वो है ब्रिज से वृक्षारोपण, तो उसी के उपलक्ष में एक सदस्य हैं आरएसएस के, उन्होंने अपना भाषण दिया था। उसके बारे में मैं आपको अपने शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती, इतना अच्छा उनका भाषण था। और जो भी उन्होंने बताया था जिसको उसको मैंने थोड़ा बहुत जो रिकॉर्ड किया है वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा जानकारी होगी हमारे पेड़ पौधों के बारे में, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में। मेरे पापा आरएसएस के सदस्य हैं तो उन्हीं के जरिए से मैं इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुई थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। खाना खाए हम कितना समय निकल सकते हैं, आज की एकादशी है लेकिन सुबह सुबह हमने ये ब्रेड पाव खा ही लिया लेकिन बिना खाना खाए हम कितना समय निकाल सकते हैं। प्राणवायु नाम का भी एक वायु है। अपने भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है, 1400 भाषा बोली जाती है। पानी के लिए भी बहुत सारे शब्द है, कोई जल बोलता, नील बोलता और क्या क्या, बहुत सारे शब्द है। लेकिन अपनी सभी भाषाओं में ये जो ऑक्सीजन है इसको केवल मात्र एक शब्द है, वो है प्राणवायु। इस प्राणवायु शब्द का भी संधि विग्रह करते तोड़ते प्राण वायु, जो वायु ही प्राण है। छोटा से चींटी से लेकर अवाढव्य हाथी तक और मनुष्य से लेकर इनफेक्ट वृक्षों तक, सबको यदि जीवन ही जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए तो चाहिए वो चीज प्राणवायु, ऑक्सीजन। नाक में यहाँ फिल्टर लगा हुआ है, कई सारे गैसेस जाते लेकिन अंदर में केवल प्राणवायु जाता है। माँ की कोख में जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला प्रथम कर्तव्य कौन सा करता, प्रथम क्रिया क्या रहती है उसकी? नहीं रोता नहीं, रोने के भी पहले क्या करता है, श्वास लेता है। 3D पिक्चर में आपने देखा होगा वो रो नहीं रहा था तो करिश्मा कपूर आमिर खान को बोलती है उसकी पीठ घसो, पैर घसो, थाप मारो छाती पे, फिर भी वो रो नहीं रहा था। फिर इसने अपने उसके मुंह में श्वास दिया तो एकदम ऐसी लंबी गहरी श्वास ली। तो जब भी बच्चा बाहर पैदा होता है आता है सबसे पहले लंबी गहरी श्वास लेता शरीर में, और आदमी जब मरता है तो सबसे आखिरी काम क्या करके जाता, श्वास छोड़ देता और चला जाता। अब हमारे यहाँ पे देखो शब्द प्रयोग हम कैसे करते हैं। उसने प्राण त्याग दिए यानी उसके शरीर से प्राणवायु चला गया, मैं तेरे प्राण ले लूंगा यानी मैं तेरा ऑक्सीजन छीन लूंगा। ऐसे ऐसे असंतुलित वातावरण में रहेंगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, हम बोलते हैं मेरे प्राण मत ले, यानी उसने प्राण त्याग किए यानी पंचतत्व में विलीन हो गए। तो ये प्राणवायु जो हमें आता है, निसर्ग में बहुत सारे सृष्टि चक्र है, जैसे जल चक्र है हमको पता है, अभी बाष्पीभवन होगा, बादल बनेंगे, बादल बरसेंगे, बह के जाएगा, नदी में जाएंगे, तालाब में जाएंगे, फिर बाष्पीभवन होगा, ये ऋतु चक्र, ऐसे कई सारे चक्र है। लेकिन एक जो सीधा ठेठ संबंध है कि वो जो पौधा है वो जो दे रहा है वो मैं ले रहा हूँ, और मैं जो छोड़ रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहा है, वो दे रहा है मैं ले रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ वो ले रहा है, ये जो एक ठेठ सिंगल स्टेप साइकिल जो है ना, ये संबंध सतत जीवन जिसको हम कहते हैं, पहला लिए और श्वास से लेके छोड़ते हुए श्वास तक के सतत अविरत चलने वाली श्वासों की श्रृंखला जिसका नाम जीवन है, इसको सतत चलने के लिए हमारी जो प्राण ज्योत है वो सतत तेवती रहने चाहिए। इसलिए यदि कोई मददगार चीज है तो वो है पेड़। और एक व्यक्ति को 60 से 80 साल की जिंदगी जीने के लिए साइंस बोलता है कि 18.5 वट वृक्ष चाहिए। कितने चाहिए? 18.5। और आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं कि अनुपात कितना पौधा और कितनी लोक संख्या, तो आज के अनुपात में ये कहना पड़ेगा कि एक व्यक्ति को 422 पौधे लगाने चाहिए। ये रिपोर्ट है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा, रिपोर्ट है। 18.5 एक व्यक्ति को चाहिए, लेकिन वृक्ष और मनुष्य के अनुपात में आज की घड़ी में यदि लगाना हो ये बैलेंस करने के लिए, परसेंटेज बैलेंस करने के लिए, तो 422 वृक्ष चाहिए। अब दिल्ली की तो मुझे नहीं पता लेकिन मैं नागपुर से आता हूँ, मेरे नागपुर में लोक संख्या 47 लाख और पौधे 28 लाख, यानी एक व्यक्ति के ढंग का आधा भी पौधा नहीं है। तो सोचो हमें कितना युद्ध स्तर पर पौधे लगाना चालू करना पड़ेगा। और WHO की रिपोर्ट के हिसाब से यदि 8 महीने धूपकाला रहने वाला है
तो इसके आप भयावह परिणाम थोड़े से जस्ट समझो, मैं डराना नहीं चाहता। जितनी तपन होगी उतना ज्यादा जमीन में से गर्मी मॉइस्चर बाहर निकल जाएगा, यानी जो आर्द्रता है वो सारी उड़ जाएगी, बाष्पीभवन होगा। ये बाष्पीभवन होके ज्यादा से ज्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होगा। जो आज यहाँ पे थोड़े बुजुर्ग लोग बैठे, मैं उनको पूछा आज से 15 से 20 साल पहले आपने कभी ढक फूटी या क्लाउड बस्टिंग ये सब सुने थे क्या? बादल फट गया ऐसा सुना था क्या? केदारनाथ में हमने पहली बार देखा या कश्मीर में जो हुआ था भूकंप उसमें हमने देखा कि बादल फट गया? जितना ज्यादा बादल की निर्मित होगी उतने ज्यादा बादल टकराएंगे फटेंगे, क्योंकि उसके भी एक सीमा है। तो बहुत ज्यादा मिट्टी में से पानी उड़ गया, यानी मॉइस्चर यानी नमी यदि खत्म हो गई, मिट्टी अपना स्वभाव बदल देती है, अल्कलाइन से एसिडिक बनती है। यदि एक बार मिट्टी आपके एसिडिक बन गई तो ये जो घास दिख रही है ना ये भी उगना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में जमीन जिसको हम माटी बोलते हैं संस्कृत में, इसका यदि धातु रूप से यदि समझे माह इति यह माटी, जिसको हम माटी माँ के समान दर्जा देते हैं। सुबह उठकर हम लोग भूमि वंदन करते हैं ना, तो धूल को धारण करते हैं ना तिलक के रूप में, तो वो माटी यानी सुबह उठे बराबर हमारे यहाँ पे श्लोक है कि कराग्रे वस्तुते लक्ष्मी करम वंदे सरस्वती करम उले तुम गोविंदम प्रभाते कर, उसके बाद वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्र वस्तने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले, समुद्र के तह से लेके तो पर्वत के मंडल तक वसने देवी, ऐसा जहाँ पे तेरा प्रभाव है, जहाँ पे तेरा अस्तित्व है, ऐसी है देवी, ऐसी है सुप्त शक्ति। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, ऐसी है विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, तुझे नमस्कार करता हूँ। पादस्पर्शम क्षमस्व में, मैं पैर से तुझे स्पर्श करने वाला हूँ, क्षमस्व में मुझे क्षमा कर दे। इतना आदर भाव हम हमारे भारतीय संस्कृति से ये मिट्टी के साथ जोड़ते हैं, करके हम उसको माह इति यह माटी कहते हैं, करके मिट्टी बचाना। मिट्टी बचेगी तो उसके ऊपर यह सारी सजीव सृष्टि बचेगी, पूरे पृथ्वी तल पर धरातल पर। सबसे ज्यादा यदि सजीव सृष्टि कहीं पे है तो ये मिट्टी की ऊपर की 6 से 8 इंच की सतह पर है। मिट्टी के ऊपर की जो 6 से 8 इंच की सतह होती है यहाँ पे सबसे ज्यादा जीवाणु दिखाई देते हैं, ठीक है ना। यदि ये मिट्टी प्रदूषित हो गई, दूषित हो गई, कलुषित हो गई तो यह सजीव सृष्टि खत्म हो जाएगी, और यही सजीव सृष्टि इस मिट्टी को जिंदापन देती है, जीवंतपना जिसको हम कहते हैं, जान लाना मिट्टी में। उसके नीचे की मिट्टी काम की नहीं है। हम खेती में भी हल चलाते हैं तो केवल ऊपर ऊपर की मिट्टी चलाते हैं, और ट्रैक्टर आके क्या करता है 2-2.5 फीट तक मिट्टी को ऊपर उठाता है। कृषक का जो सिंबल है श्री कृष्ण भगवान के भाई बलराम, उनके कंधे पे जो एक हल है उसका उपयोग किस चीज के लिए होता है, और उसका जो आंकुड़ा होता है काटा वो कितना गहराई तक होता है, हार्डली 6 से 8 इंच तक। हमारे शास्त्रों में ये चीज कई पहले से समझ गए थे कि मिट्टी को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना। सो जंगल में करते हैं क्या अपन? नहीं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहता है केचुआ, रोज एक गड्ढा करते हुए नीचे जाता है, दूसरा गड्ढा करते हुए ऊपर आता है। अभी एक सर्वसामान्य तौर पर हम एक समझने वाली बात है, आपके घर के आंगन में या कहीं यहाँ पे भी कहीं पे इतना बड़ा यदि पत्थर हो, कोई शिड़ा हो या कहीं पे कभी बोरी पड़ी हो या कचरा गिरा हो, उसको आप उठाओ तो उसके नीचे से क्या क्या निकलता है? केचुआ, गोम, इच्छू बिच्छू, सांप सीरी, सांप के छोटे बच्चे, कॉकरोच, चिटिया, काली चिटिया, लाल चिटिया, ऐसे छोटे 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 श्वापद या नाश श्वापद या ऐसे कुछ रेप्टाइल्स वगैरह वहां पे हमको दिखाई देते। तो क्या रहता है ऐसा कि इतने सारे प्रकार प्रकार के विविध पूर्ण वहां पे सजीव सृष्टि हमको एक छोटे से पत्थर के नीचे या पूरा नीट पड़ी हो उसके नीचे दिखाई देती है, ऐसी क्या चीज है? सबसे महत्वपूर्ण है वहां पे सूरज प्रकाश नहीं जाता, दूसरा वहां पे नमी रहती है, तीसरा वहां पे ठंडकता रहती है, और उनको महफूज लगे ऐसा एक सुरक्षित वातावरण उस जगह पे रहता है। ऐसी वातावरण निर्मित मिट्टी में जितनी ज्यादा से ज्यादा होगी उतना इस मिट्टी का विकास होगा। और किसान या इस साइड में जो आप बोलते हैं कि दिल्ली गैस का चेंबर बन गया क्यों तो पराली जलाते हैं, ये इतना गलत लोगों के दिमाग में डाला है कि पराली जलाना ये कचरा है करके उसको जला देते हैं। जो चीज मिट्टी से आई है दैट शुड अगेन गो बैक टू द सॉइल। ये हुकुमा का मियावाकी और फुकुआ का जो बता रहा है अभी हमको वन स्टोर रिवोल्यूशन में कि स्क्वेयर फुट फार्मिंग में जहां से जो आया वहां पे हो जाना चाहिए, ये आपका 100% पौधा है,
इसका ऊपर का जो 15% है ये आपका अर्थशास्त्र है, जो आपकी इकोनॉमी चलाने वाला है, जो बेच के आप पैसा कमाने वाले, प्रोडक्शन आपका वो पूरे पेड़ में से केवल 15%। बचा हुआ 85% जो हिस्सा है दैट शुड गो बैक टू द सेम सॉइल, सेम जगह पे। और हमारा किसान की देखो मूर्खता या कौन इनको गलत राह देता है, वो जला के खत्म करना क्योंकि वो कचरा है। तो मिट्टी का जो एक्चुअल ऑर्गेनिक कार्बन है वो हमने जला के कार्बन का लास्ट फॉर्म दिया, जो कि किसी काम का नहीं रहता। राख कभी किसी के काम में आई है क्या? किसी ने घर में राख सजोए रखा हुआ है क्या? उपयोग में लाता है क्या? हम लोग केवल देसी गाय के गोबरी की भस्म विभूति या राख या जो अंगारा होता है वही काम में लाते हैं। उसमें भी आजकल लोग मंदिर में जाते हैं तो अगरबत्ती का अंगारा लगाते हैं, बहुत पॉइजनस है, बहुत डेंजरस है। पुराने वैद्य लोग जब माँ अपने घर में कुछ होता था और माए जाती थी तो बाबा जी लोगों से अंगारे की पुड़िया लेकर आती थी। वो बाबा जी बोलते थे सुबह एक बार पानी में मिला के पिला देना, दोपहर में पिला देना, शाम को पिला देना। आयोनाइज कर देता है वाटर को, ऑक्सीडाइज करता है, उसमें 46-48% तक ऑक्सीजन रहता है, तो बॉडी का ऑक्सीडेशन करता है वो। तो गाय की गोबरी की भस्म विभूतियां रख ठीक है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कार्बन जो जलाकर खत्म करके ऑक्सीजन कार्बन का लास्ट फॉर्म किया वो हमारे किसी काम का नहीं। फिर पौधों के ग्रोथ के लिए कार्बन चाहिए तो यूरिया और डीएपी नाम के आर्टिफिशियल हम लोग लाकर डालते हैं। और खेती में कचरा कुछ भी नहीं है फिर भी गाजियाबाद वाले वेस्ट डिकम्पोजर नाम का एक कल्चर देते हैं और वो वेस्ट डिकम्पोजर मानते हैं। देयर इज नो वेस्ट इन यूर सॉइल, आप क्या डिकम्पोज करना चाहते हो? मिट्टी को डिकम्पोज करोगे और फिर सॉइल के ऊपर अलग अलग कलरफुल फिलामेंट्स दिखती है। तो ये जो बहुत गलत किसानों को बताना या अपने घास है तो उसको काट के खत्म कर दो, एटलीस्ट वो आच्छादन जमीन पे दे रहा है हमें, पर्ण आच्छादन, काष्ठाच्छादन, मृदाच्छादन, सजीव आच्छादन, यह आच्छादन रहना चाहिए मिट्टी पे ताकि जमीन के अंदर में ये सारे सूक्ष्म जीवाणु जिंदा रहे। जो केचुआ होता है इसको खेती का किसान इसलिए कहा गया क्योंकि वो रोज एक गड्ढा करते हुए जमीन में 15 फुट तक नीचे जाता है और जमीन जो है यह अन्य अन्य खनिजों का महासागर है। वो नीचे जाता है, वो खनिज द्रव्य खाकर दूसरे गड्ढे से ऊपर आता है। आप में से ऐसा कौन है जिसने कभी केचुआ हाथ पे नहीं लेकर देखा होगा? हम सबने केचुए को हाथ से देखा है, हमने देखा उसके शरीर के बाहर से एक प्रकार का द्रव्य स्त्रवण होते रहता है। वो द्रव्य से जो गड्ढा है लिपाई पोताई होते हुए नीचे जाता है। जब वो नीचे जाएगा एक गड्ढे से गया तो एक दिन में वो दो गड्ढे करता है, दूसरे गड्ढे से ऊपर आता है। केचुए की जो विष्ठा होती है, मेहंदी का कोन को थोड़ा सा बड़ा काट के निचोड़ दो तो कैसे दिखता है वो, वैसे केचुए की विष्ठा आपको अभी इन दिनों में बहुत दिखाई देगी। उसमें 11 गुना ज्यादा चूना, गंधक 7-8 गुना ज्यादा, 9 गुना ज्यादा स्फुरद, कार्बन, नत्र, ऐसे कई कई गुण जो केमिकल रसायन चाहिए मिट्टी को पौधों के ग्रोथ के लिए वो बहुत ज्यादा रहते हैं। फिर वो वहां पे जो मिट्टी रहती है उसमें ऐसे कुछ जीवाणु आ जाते हैं, जब बिजली कड़कती है, बादल बरसने के पहले जब बिजली कड़कती है एटमॉस्फेयर में बहुत सारा नाइट्रोजन रिलीज होता, वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्प्शन करके जमीन में फिक्सेशन करके जड़ों तक ट्रांसपोर्टेशन करके उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए जो महत्वपूर्ण बैक्टीरिया चाहिए वो उसके विष्ठा में और वहां पे जो ह्यूमस निर्मित होते हैं उसमें आवश्यक है। और घर में कभी गलती से केचुआ आया तो हम उसके ऊपर क्या जारकर डालते थे? नमक या निर्मा डालते थे ना, और हम हमारे आंखों देखी क्या देखते थे, वो दूसरे से तीसरे मिनट में तड़प तड़प कर मर जाता था आज डीएपी, यूरिया, एंड्रिन, सल्फेट जो खेती में किसान डाल रहे वो क्या चीज है? वो नथिंग बट द सॉल्ट है, नमक के ही प्रकार है। और उस कारण केचुआ खेती से खत्म हो गया, खेतियां सारी, और बोलते कि आज इस दुनिया में, जगत में, अपने भारत देश में स्पेशली सबसे ज्यादा बोलते हम ये एक सेक्टर बहुत जॉब प्रोवाइडिंग है, लेकिन जॉब लूजिंग यदि कौन सा सेक्टर है तो किसान ही है। वेयर एज मैं बताऊं, एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इनकम एंड जीडीपी ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया यूज टू वेरी फ्रॉम 82-85% बिफोर 2 and 3 decades, यानी 85% हिस्सा राष्ट्रीय आय उत्पन्न में, राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का रहता था, आज वो घट के केवल 8.1% पे आया है। Whereas we still have 69% people by profession as a farmer, we still have 71% land comes under agriculture sector, even after giving such an advanced technology, इतने औजार, हथियार और प्रगत वैज्ञानिक, इतनी सारी टेक्नोलॉजी हमने दी है, क्यों कंट्रीब्यूशन इतना कम हुआ? तो कहीं ना कहीं किसानों को भ्रमित करने के षड्यंत्र चल रहे। तो इस साल जो हमने ये बीजारोपण से वृक्षारोपण यह एक बड़ी मुहिम चलाई है। बीजारोपण से वृक्षारोपण क्यों? टिश्यू कल्चर से आया हुआ पौधा बहुत कमजोर रहता है, नाजुक रहता है, उसका इम्यून पावर बहुत खत्म रहता है क्योंकि वो टेस्ट ट्यूब पे बनता है, टेस्ट ट्यूब पे भी,
और आप देखो हम सारा भारतीय समाज, हम बीज खाने वाला समाज है, हम अलग अलग मौके पे बहुत बीज खाते हैं। भारतीय लोग इतना ज्यादा बीज खाते हैं कि बहुत सारा। हमारे घर पे कोई मेहमान आया, उसने आपके घर में खाना खाने से या नाश्ता करने से चाय पानी पीने से मना किया, लेकिन वो जब उठकर जाता है उसके सामने पांडन लेकर आते हैं, वो पानपुड़े में क्या क्या रहता है? अलग अलग प्रकार की बीजें रहती है, सौंफ, सुपारी, अजवाइन, लौंग, इलायची, काजू, किशमिश, बादाम रहता है उसमें। अलग अलग हम लोग मुखवास रखते हैं। खाना खाने के बाद हम लोग पान खाते हैं, पान में अलग अलग बीजे डालते हैं। आप किसी भी पानठेले पे चले जाओ, जितनी भी खर्रे की पूड़िया है उसमें अलग अलग प्रकार की बीजे। घर में कोई मेहमान आया खाने के लिए और शाही भाजी पर सब्जी बनाने का बेत हुआ, तो शाही सब्जी की ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए हम लोग मगज बी, तरबूजे का बी, खरबूजे का बी, ककड़ी का, खीरे का, कद्दू का, भोपड़े का, अलग अलग प्रकार के बीज को पीसा कर उसकी पेस्ट बनाकर उसको लगाते हैं, ठीक है। ठंडी के दिनों में घर घर में मेथी दाने का लड्डू बनता है। जो महिला प्रसूति होती है उसको हम बहुत सारे बीज खिलाते हैं, गरम गेंद के लड्डू बनाते हैं, उसमें हम क्या क्या डालते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये सारे के बीज डालते हैं, मगज भी डालते हैं, बहुत सारी बीजें डालते हैं हम। मुझे आज भी याद है हम ननिहाल में जाते थे तो हम सारे नाती गोती छुट्टियों में इकट्ठा होते थे, तो हमारी नानी क्या करती थी, हमको एक एक सूर्य फूल दे देती, सूरजमुखी का फूल, ए तुम लोग ये सूरज फूल खाते बैठो मस्ती नहीं करना। अब वो इतना बड़ा सूरज फूल, ये लगभग 800 ग्राम का या 900, कुछ कुछ सूर्य फूल बड़े बड़े एक एक किलो के रहते, एक एक किलो का एक फूल, उसके बीच में से एक एक वो उसको फोड़ के खाना, दाना खाना। फिर वो जंगल से बहुत सारे बेर उठा कर लाती थी और बेर को खलबत्ते में कूट कर, सिलबट्टे में कूट कर बेर की पापड़ी या बेरकूट हम लोग खाते थे। जिनको शुगर का प्रॉब्लम है सुबह उठकर जामुन की बीज, मेथी दाने का पाउडर खाते हैं हम लोग। इतनी बीजे, कोई अच्छी डिश बनाते उसको गार्निशिंग करने के लिए हम लोग उसके ऊपर बीजे छिड़कते हैं सजावट करने के लिए। धूपकाले के दिनों में जो साल भर बनाने वाले पापड़ वापड़ बना के रखते हैं महिलाएं, उसमें भी हम लोग बहुत सारी मिर्ची का बीज डालेंगे तो और तिल का बीज डालेंगे हम लोग। कई सारे बीजे भूंज कर भी खाते हैं, है ना। बहुत से लोग महिलाओं को रहता है बैंक में, मैं अक्सर देखता हूँ बैंक में काम करने वाली महिलाएं छोटी सी एक डिब्बी रखती है उसमें से उठा के कुछ दो चार बीजे खाते रहती है। आज मॉल में आप जाओ इतना सा छोटा सा मिक्स बीज का डब्बा 700-800 रुपए का आता है, देखा होगा आपने, चिया सीड्स ना, अलाना फलाना सीड्स। हम भारतीय लोग बहुत सारी बीज खाते हैं, लेकिन ये बीजों के साथ क्या हुआ है, बीज खाकर क्या बोलते हैं, बीज जैसे बनते हैं। हम गुर बाजार में जाते, आप में से कुछ लोग ढोर बाजार में गए होंगे, तो ढोर बाजार में बोलते अरे भैया वो नहीं इधर आइए हमारा बीज अच्छा है, अरे भैया वो बीज मत खरीदो हमारा बीज लेके जाओ, ये बीज बहुत अच्छा है, ये बीज बहुत शुद्ध है। बीज यानी नंदी महाराज को बीज कहा गया है, यानी पुरुष वर्गीय जितनी भी डोमेन में आने वाले लोग है, पुल्लिंगी, ये सारे इनको बीज कहा गया है। बहुत बार बुजुर्ग लोग किसी दूसरे परिवार की ठट्टा मस्करी या उपहास करने के लिए, अरे ये शर्मा जी का बीज ही खराब निकला, अरे ये वर्मा जी का बीज ही खराब है, तो इनका यानी कोई लड़के उनके घर के लोग यदि गलत राह पे निकल गए तो हम उनको गाली देने के मामले, सॉफ्ट गाली, प्यार से गाली मारने के लिए क्या बोलते, अरे बीज ही खराब है इनका, तो ये भाई के दादाजी से ही बीज खराब है, ऐसे हम बोलते है कि नहीं बोलते, सुना होगा आप लोगों ने, बीज खराब है ना, संस्कार अच्छे नहीं थे, यानी वो वंश अच्छा नहीं घड़ाया उन्होंने। तो बीज का मूल गुण तत्व है उत्पादन देना, उत्पत्ति देना, नया वंश, नई जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को जन्म देना। लेकिन बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत मोनसेंटो और अन्य कई सारी कंपनियों ने क्या मेंटेन करने के पीछे पड़े, 6G के ऊपर रिसर्च चल रहा है, 7G के ऊपर बाकी दुनिया जाकर पहुंची है, और हम लोग बीज में नेक्स्ट जनरेशन खत्म करके सारा नपुंसक बीज बाजार में आने लगा है। आप पैकेट का बीज लाओ बाजार से, वो बीज की बुआई करो, उसमें से जो पौधा निकलेगा बस उतना ही, उसके ऊपर से बीज लेकर आप फिर से नया जनरेशन का बीज खड़ा नहीं कर सकते, जबकि भारतीय संस्कृति में सदियों से बीज चलते आ रहे कि हमारे घर में भी हम लोग किसान भी खेती में निवड़ प्रक्रिया से जो अच्छा टवटवी दिखने वाला हेल्दी वेल्दी गुड लुकिंग प्लांट होता है, घर में भी देखो कोई फल का पौधा होगा बहुत अच्छा फल लगा तो हमारी माताएं क्या बोलती, नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है ना, इसको अभी नहीं तोड़ेंगे, इसको पेड़ पे ही रहने देंगे। क्यों? क्योंकि वो पेड़ पे ही पूर्णतः परिपक्व जब तक नहीं होता, जिसका अपने मातृत्व के पास में पूर्ण सर्वांगीण विकास नहीं हो जाता वह बीज हमारे कुछ काम का नहीं है। यदि वो पूरा परिपक्व होता है पेड़ पे, जिसका पूर्ण विकास होता है, वो बीज जब हम लोग जमीन में डालते हैं वो अच्छा नया सुदृढ़ पीढ़ी को जन्म देता है, एक अच्छा वंश आगे बढ़ाने के लिए काम में आता है। तो ये बीज नपुंसक कर दिया, इसके दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं, भाई वर्गों में, नई पीढ़ी में, हमारी मेरी पीढ़ी में धातु वीर्य या स्पर्म काउंट का प्रमाण कम होना, महिलाओं में बेबी मिसकैरेज होना या प्री मैच्योर बेबी पैदा होना,
आठवें महीने में सातवें महीने में बच्चा बाहर आ जाता है, फिर कांच के पेटी में आर्टिफिशियल एनवायरमेंट में उसको पला, फिर उसका रोग प्रतिकार शक्ति कम होती है, फिर उस बेचारा कमजोर पीढ़ी कमजोर बच्चा पैदा होता है। ऐसे समय में हमारा बहुत बड़ा नुकसान ये बीजों के कारण हो रहा है। तो हमने बीज सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना। इस साल का आप बिल्कुल ये सोच ही लो कि हमें पौधारोपण या वृक्षारोपण कम और बीज संकलन से बीजारोपण ज्यादा करना है, बीजारोपण से वृक्षारोपण करना है। जितने ज्यादा से ज्यादा बीज हम लोग इकट्ठा करेंगे वो बीज हम लोगों को बचाना है। यदि बीज नहीं बचेगी तो आगे की वंश आगे की पीढ़ी या वो नपुंसक समाज देने के लिए हम ही जवाबदार रहेंगे और वो चित्र आज दिख रहा है। तो हमने वनागमन अरण्य वाचन नेचर रीडिंग के लिए कहे तो भी बाहर जाना, पेड़ पे ही परिपक्व हुए वाले फल फलियां या वो पेड़ के आसपास गिरे हुए कुछ पौधों से बीज इकट्ठा करके लाना, जगह जगह पे सीड बैंक यानी बीज पेड़ियां तैयार करना, हमारा देसी बीज हम लोगों ने बचाना। हमारा देसी बीज, देसी बीज, देसी वान जिसको हम कहते हैं, ये देसी वान हम लोगों ने बचाना और उसका रोपण करना। बीज से उत्पत्ति हुआ वाला पौधा का जीवन काल भी बहुत दीर्घ रहता है, वो दीर्घायु पौधे रहते हैं। कल वटा सावित्री हुई, महिलाओं ने शायद व्रत किया होगा, हमारे यहाँ पे तो वटा सावित्री के दिन लोग महिलाएं आप पूजा पाठ देखते होंगे बहुत करते हैं। मेरी वाइफ भी जाके पूरा धागा वागा बांध के आते कि अपने पति की दीर्घायु लंबी उम्र के लिए कामना करते। मैं बोला भाई 100 साल वगैरह नहीं चाहिए, छोटा पौधा पूजन नहीं, बोले बड़ का ही पौधा पूजेंगे, क्योंकि एक बार बड़गद का पौधा लग गया तो 700-800 साल तक जीता है, ठीक है ना। तो हम लोग एक नवाचार भी सोच सकते हैं, जैसे आज मोहित जी ने हम लोग बोल रहे थे केवल पिलखन पिलखन दिखा, हम जिस गाली देते हैं ना बहुत बार, पता नहीं साला किस नक्षत्र पे पैदा हुआ बोलते हैं ना कभी कभी, दो एक दूसरे को गाली मारते समय ये अलग ही नक्षत्र पे पैदा हुआ है लड़का, सच्ची में हमारा नक्षत्र होता है। कितने नक्षत्र है? 27 नक्षत्र है। अपनी राशि तो हम लोगों को पता होगी, कर्क मिथुन सिंह कन्या वगैरह, लेकिन उसमें हम किस नक्षत्र पे पैदा हुए उस नक्षत्र का आराध्य वृक्ष हम लोगों ने लगाना। उसमें भी एक स्टेप, जिनको पंचांग समझता है कुंडलियां समझती है तो उस जिस सर्वांगीण उन्नति बौद्धिक उन्नति आध्यात्मिक उन्नति हर प्रकार से उन्नत होते हैं। तो पौधा लगाना यह महत्तम कार्य है और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, क्योंकि हम हिंदू समाज में हमेशा पाप और पुण्य की गणना करते हैं, क्या करने से पाप होता है कितना और क्या करने से पुण्य मिलता है कितना। तो एक पौधा मारने से 9 मनुष्य वध करने का पाप हमको मिलता है, कितना? एक काटने से 9 मर्डर करने का पाप हम लोगों को मिलता है, लेकिन एक पौधा लगाने से 10 जीवों को जीवन दान देने का पुण्य मिलता है। एक का ही फर्क है, 9 का मर्डर का पाप और 10 का जीवन दान देने का पाप, ये वो एक के हम लोग फंसे करके। आज जिन जिन लोगों ने पौधा लगाया, ये आपने केवल पौधारोपण नहीं किया, आपने बहुत बड़ा पुण्य कार्य किया, यह ईश्वरीय कार्य है पौधा लगाना। और उसमें भी आगे चलकर मैं बोलूंगा कि बीज संवर्धन से बीजारोपण से पौधारोपण करना, ये हम सब लोग करेंगे तो। और आज युद्ध स्तर पर पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऐसी किसी चीज की आवश्यकता है तो हरियाली निर्माण की आवश्यकता है। मुझे आज भी याद है 2015 और 16 में मैं पर्यावरण की, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से राज्य ने बहुत सारी चीजों के बारे में हमें बताया, वो सारी चीजें हमने कहीं सुनी भी नहीं थी, क्योंकि ऐसे यूनिक प्रोग्राम में मैं पहली बार आई हूँ पर्यावरण से रिलेटेड, क्योंकि हम सब लोग इकट्ठे तो हो जाते हैं लेकिन पर्यावरण की जो जानकारी होती है बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से वो हमें कहीं सुनने को नहीं मिलती। और आज हमने जो सीड्स के बारे में भी सुना, बीज के बारे में भी सुना, और ये सच्चाई है, हम सभी लोग जो यहाँ पर बैठे हैं और जो हम घरों में बैठे हुए हैं, हम सभी लोग अपने दिनचर्या में ये सारी चीजों को जो है समझते भी हैं, सोचते भी हैं और आपस में बात भी करते हैं किसी ना किसी तरीके से। जैसे कि भाई साहब ने बहुत ही सारे उदाहरण दिए हैं, बच्चे को लेकर के भी उदाहरण दिए हैं और पुरुषों को लेकर के दिए हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो भाई साहब ने उदाहरण दिए और वो सच्चाई है, क्योंकि हम अपने दिनचर्या में अपने परिवार के साथ बैठकर या अपने पर्यावरण की तरफ ध्यान दें, हम अपने पौधों की तरफ ध्यान दें, हम पौधों से रिलेटेड जो अच्छे अच्छे बीज हैं, जिनकी वैरायटीज हैं, जो हमें पता है कि काफी साल तक जीते हैं और जिनसे हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले, फलदार पेड़ हो, उन सारी चीजों को हम लगाएं। भाई साहब जन्मदिन आते हैं, हमारे बच्चों के जन्मदिन आते हैं, हमारे रिश्तेदारों के जन्मदिन आते हैं या हमारे कार्यकर्ताओं के जन्मदिन आते हैं, तो वो जब जन्मदिन मनाते हैं तो हम उनको यही सजेशन देते थे कि आप अपने जन्मदिन पे कोई भी एक पार्क चुन लो और वहां पर अपने बच्चों के नाम से, अपने दादा के नाम से,
किसी के भी नाम से आप उसमें पौधा लगाना शुरू करो और उसका पालनहार आप ही बनो, मतलब कि उसके पालक आप बनो। आप ये कहो कि जी मैंने ये अपने जन्मदिन पे पौधा लगाया था जब मैं 5 साल का था, जब आप 10 साल के हो जाओगे तो वो 5 साल में कितना बड़ा होगा तो आपको खुशी होगी, उस बच्चे को भी खुशी होगी कि ये पौधा मैंने अपने इस जन्मदिन पे लगाया था और आज ये पौधा फलदार पौधा बन गया है। तो बच्चा क्या है, उसमें एक तरह से संस्कारों का भी निवारण होता है, वो संस्कारों को भी लेता है। और किसी को क्या, पेड़ को जब हम जिंदा रहे तो समझ रहे हैं कि जैसे भाई साहब ने कहा एक पेड़ को अगर हम बनाते हैं तो हम कम से कम 10 लोगों को उसमें जिंदा रखते हैं, उसका हमें पुण्य लगता है। तो वो सारी चीजें क्या है, हमारे धर्म के साथ भी जुड़ी हुई है, हमारे संस्कारों के साथ भी जुड़ी हुई है। और हम और इनका रोपण करें, ये हमारा यहाँ हमारा इस क्षेत्र के अंदर तीसरा सघन वन है। पहला सघन वन हमने प्रॉपर्टी के सामने बनाया था, आज वो 15-15-20 फुट के पेड़ है। शायद मेरे अंदाज से दिल्ली में इतना बढ़िया गार्डन आप देखने को बहुत कम मिलेगा, आप उसको देख के आइए और निहारिए, बहुत सुंदर है। उसके बाद फिर पॉकेट 3 के सामने हमने एक सघन वन बनाया है और ये हमारा सघन वन जो है आज से 6 महीने पहले आप पेड़ देख रहे होंगे इसके अंदर ये लगाए हैं, ठीक है। ये सारे संघ कार्यकर्ता और पर्यावरण के कार्यकर्ता ने खरीद के लाए हैं तब ये लगाए हैं। पिछली बार जब हमने 6 महीने पहले 65,000 के पौधे यहाँ पे आए थे, ये समझ लिया, और कुछ तो हमने आम जो दुर्लभ पौधे थे बहुत बढ़िया बढ़िया पौधे लगाए थे, ये सारा प्रयास रहता है। और अभी जो है ये चारों तरफ खट्टे खुदे हुए हैं, यहाँ 200 पेड़ जो है इस गार्डन के अंदर आएंगे और 200 पेड़ जो है हमारे पॉकेट 3 वाले गार्डन में आएंगे और 100 पेड़ हमारे उस वाले गार्डन में आएंगे। अभी हम 500 पेड़ों का हमारा लक्ष्य है, कल भी हम हमारा वृक्षारोपण लगातार चलता रहेगा और ये सीजन जो है अभी हमारा वृक्षारोपण के लिए है। उस प्रांगण में पानी नहीं है तो हमने सामने की कोठियों से पानी ला करके हमारे कार्यकर्ताओं ने दिया और सारे पेड़ों को जिंदा रखा। बस मेरा तो बस यही निवेदन ये है कि बस ये पर्यावरण का जो मुहिम है उसमें सब अपने अपने को साथ दीजिए। धन्यवाद, भारत माता की। तो ये थी वो पूरी स्पीच, मुझे ये स्पीच बहुत अच्छी लगी थी इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड करी। उसके बाद में यहाँ पे 100 के करीब इन लोगों ने तुलसी के पौधे भी बांटे थे, 4-5 मैं भी अपने घर लेके आई थी जो मैंने घर पे आके लगाए। आज मेरे भतीजे का बर्थडे था तो उसके उपलक्ष्य में हमने 5 पौधे करीब लगाए थे। तो अगर आप लोगों को ये स्पीच ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।